तो हेलो सभी को स्वागत है आप सभी लोगों का और एक नए वीडियो में। दुआ करता हूं सब अच्छे होंगे। और आज है थर्सडे, आज हमारा कॉलेज छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक ठो अच्छी एंड टेस्टी रेसिपी शेयर की जाए जो मैं घर पे बना के खाता हूं। ये उन वेजिटेरियन लोगों के लिए है जो नॉनवेज नहीं खाते। तो ये बेसिकली एक ठो पनीर का रेसिपी है जो मैं खुद घर पे बना के खाता हूं हेल्दी तरीके से। तो आपको दिखाता हूं क्या क्या चाहिए इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो पहला चाहिए हमारा ओब्वियसली पनीर, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है एक ठो ग्रेटर की मदद से। दूसरा चाहिए गाजर, ये गाजर टमाटर और ये कड़ी पत्ता, ये सब ऑप्शनल है। और जो जो मेन चीज़ है, पनीर, ऑनियन, अदरक और मिर्च, ये चार चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी ये गाजर टमाटर और कड़ी पत्ता, ये बस टेस्ट के लिए है, मगर इनका भी फ़ायदा है। इसको खाने से आप, इसको मिलाने से आपका मतलब टेस्ट भी बढ़ता है और इनमें फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा होता है, ताकि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए, ठीक है। और दूसरा चीज़ जो चाहिए आपका, ये ड्राई स्पाइसेस है जो कि है क्यूमिन सीड, दालचीनी एंड ब्लैक पेपर एंड एक तो तेज पत्ता, ठीक है। तो शुरू करते हैं बनाना। तो पहले हम कर देंगे गैस को ऑन, गैस हो गया हमारा शुरू। और आपको एक तो अच्छी बात बताता हूँ कि मैं ये लोहे की कढ़ाई पे खाना को बनाता हूँ, क्योंकि लोहे में जो हम खाना बनाते हैं उससे हमको आयरन भी मिलता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसमें तेल डालेंगे। मैं यूज़ कर रहा हूँ सरसों का तेल, इस पे बस दिखाता हूँ आपको कितना डालना है। इतना तेल काफ़ी है, थोड़ा और। अभी हमारा तेल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे ये सब ड्राई मसाले डायरेक्ट। और इसके बाद हम इस पे डालेंगे हमारा कड़ी पत्ता, अदरक एंड मिर्च, ये सब डाल देंगे इसमें। इसको मिलाने से बस आपका टेस्ट बढ़ता है और टेस्ट भी मैटर करता है। तो इसके बाद हम इस पे डालेंगे प्याज, गैस को एकदम फुल पे करेंगे, ठीक है, ताकि प्याज जल्दी पकता है हमारा। मैंने अराउंड 100 से 150 ग्राम के आसपास पनीर लिया है और उसमें अराउंड मुझे प्रोटीन भी सेम 30 ग्राम मिलेगा, 30 ग्राम ही मिलेगा। गैस को अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर एंड गाजर। अभी हमारा प्याज ऑलमोस्ट हो चुका है, तो इसमें हम अभी डालेंगे गाजर एंड टमाटर। और इसके बाद हम इस पे डायरेक्ट डालेंगे नमक। बस थोड़ा सा ही डालना है। ये स्पाइसेस आप मत सोचो कि सिर्फ खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए है, इनका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि आपके खाने को जल्दी पचा के डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अभी हमारा टमाटर एंड गाजर ऑलमोस्ट पक चुके हैं, तो अभी हम इसमें डालेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो कि है पनीर। और अभी हम आखिरी इंग्रेडिएंट जो इसमें डालने वाले हैं, जो ये थोड़ा चिकन मसाला, ताकि इसमें थोड़ा टेस्ट अच्छे से आ पाए। आप कोई करी मसाला भी डाल सकते हो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो। क्या और दूसरा आइटम भी आप बना सकते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, रोटी में रोल करके आप इसको रोल बना के खा सकते हैं, पनीर रोल। ये उसका भी स्टफिंग ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। तो अभी ऑलमोस्ट हमारा ये पनीर भुर्जी बन चुका है। आखिरी में ये कैसा बनता है आपको मैं दिखाता हूँ सारा, क्योंकि आप देख सकते हो मैं पूरा भीग चुका हूँ। मम्मियों को दाद देनी पड़ेगी, वो कैसे इतना गर्मी रोज खाना पकाते हैं। थैंक यू। अभी आप देख सकते हो हमारा पनीर एकदम बन के रेडी हो चुका है। ये है हमारा फाइनल आउटपुट। और ये है चावल जिसमें मैंने 2 चम्मच देसी गाय का घी डाला हुआ है। और ये है हमारा घर पे जो बना हुआ दाल का सब्जी। और ये है टमाटर की चटनी। अगर आपने इस पनीर की रेसिपी को बना के खाया, अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है।
मिलता है आपको दूसरे वीडियो में।